किसान यूनियन ने उपजिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किसानों द्वारा 27 तारीख को महावन तहसील पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा कोविड-19 का ध्यान रखते हुए और तहसील पर किसी प्रकार की कोई भी भीड़भाड़ न हो उसको देखते हुए उपजिलाधिकारी महावन कृष्णानंद तिवारी, थाना अध्यक्ष बलदेव साथ प्रशासन किसानों के द्वारा पहुंचे और एक स्थान पर सभी किसानों ने बैठकर अपनी मुआवजे संबंधी समस्याओं के साथ साथ बिजली, सड़क और आदि विभिन्न मुद्दों को लेकर उनको एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उनके द्वारा मांग रखी गई थी कि वह भी लेखपाल कानून को बिजली विभाग के कर्मचारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और आपूर्ति पूरी तरह से नहीं कर रहे। उन सभी के साथ साथ किसानों को जो भी अभी तक ओलावृष्टि और किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों तक नहीं पहुँचा है, जिसको लेकर उन्होंने SDM महावन कृष्णानंद तिवारी को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग रखी है कि जिसकी जानकारी देते हुए SDM महावन कृष्णानंद तिवारी ने बताया कि इन सभी मांगों को प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा और उनका निस्तारण जल्द से जल्द कराया जाएगा। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। महावन तहसील के अध्यक्ष हैं, तो किसानों की कौन सी समस्याएं जिनके लिए आपको ये कदम उठाना पड़ा? किसानों की तो तमाम समस्याएं हैं, किसान के सामने तो समस्या ही समस्या है, किसी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ है। सबसे पहली तो बिजली की समस्या है, बिजली कटौती होती है हर समय, बिजली एक घंटे आती है, फिर एक घंटे रहती है, फिर एक घंटे आती है, फिर एक घंटे कटती है। इस चीज को लेकर के कई ज्ञापन हम दे चुके हैं। दूसरी, ओलावृष्टि का पैसा अभी तक किसानों का, कुछ ही किसानों का आया है, कुछ किसानों का रह गया है, तो उसको लेकर हमने कई बार ज्ञापन दिया है SDM साहब को। तीसरा, गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, CSC पर भी कुछ धांधली रहती है। इन तमाम समस्याओं को लेकर हम आज से अनिश्चितकालीन धरना तहसील महावन पर करने जा रहे थे। सैकड़ों की संख्या में किसान अभी तो ट्रैक्टर हमारे खड़े के खड़े रह गए, किसान पूछ पूछ करके अभी यहाँ आ रहे हैं, कुछ और भी आएंगे। तो इस तरह यहाँ SDM साहब, SDO साहब, SHO ने सुबह से घिराव कर लिया था। तो इस तरह का कार्यक्रम ये था। फिलहाल क्या निर्णय सर, आज आप किसानों की समस्याएं सुनने आए, क्या रही समस्याएं, क्या रहा इनका? हाँ नहीं, यहाँ पे आज किसान की समस्या हमने सुनी और किसानों ने बहुत ही जेन्युइन समस्या जो उठाई है, तहसील से संबंधित है, कुछ बिजली विभाग से खाद बिक्री के लिए, जो कि जिनसे कि किसानों का रोज का वास्ता है, उससे संबंधित समस्याएं उठाई हैं और इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमने अपने स्तर से भी और SDO साहब को, जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी निर्देशित कर दिया है कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको तत्काल निस्तारण करें, और मेरे स्तर से या उच्च अधिकारियों को स्तर से होनी हो तो उसको भी मेरे संज्ञान में लाके उसको तत्काल प्रेषित किया जाए। तो मुख्य रूप से क्या क्या रहा है सर इनकी मांग? इनको किसान अध्यक्ष, आज यहाँ पे किसान जो SDM साहब आए थे किसानों की समस्याएं सुनने, क्या समस्या थी, किस चीज के लिए बैठे थे? हमारे तहसील अध्यक्ष है डॉक्टर महावन, उनके आह्वान पर 27 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की तैयारी की गई थी और आज से 27 तारीख से धरना तहसील महावन पर दिया जा रहा था, क्योंकि कई बार इन्होंने कई ज्ञापन दिए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जैसे ओलावृष्टि का पैसा रह गया है, किसान सम्मान निधि है, विद्युत विभाग की समस्या है, तो किसानों की बहुत सी समस्याएं, किसानों का बीमा नहीं आ पा रहा है जो बीमित किसान है अभी तक, तो इनको लेके अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने वाले थे। कल से ही प्रशासन के जो लोग हैं वो लगे हुए थे और जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी वार्ता हुई और सुबह सुबह ये सभी प्रशासन यहाँ आ गया, बोले हम आपकी समाधान करेंगे जो भी समस्या है, और आपको वहाँ कोविड-19 की वजह से अनुरोध किया कि आप लोग वहाँ एकत्रित न हो और जहाँ आप होंगे आपकी कैंप कार्यालय पर हम आ जाते हैं, तो उसी उसमें ये लोग यहाँ पर आए हैं और इन्होंने समस्या सुनी है और समाधान के लिए कहा है। अगर ये समाधान नहीं होता है तो हमारा कैंसिल हुआ है, ना कि ख़त्म हुआ है, तो हम दोबारा से भी धरना दे सकते हैं।